नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सावन कृपाल रूहानी मिशन व मानव एकता सम्मेलन के अध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के सत्संग का कार्यक्रम 25 फरवरी को उल्लासनगर के सेंचुरी रियान क्लब के नजदीक रेजेंसी एंटेलिया ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में संत राजेंद्र सिंह महाराज का दर्शन पाने और उनके सत्संग की वाणी सुनने के लिए लाखों की संख्या में उनके अनुयायी दूर दूर से वहां पर आए थे। हमारे शहर के काफ़ी सारे नेतागण भी उनके दर्शन पाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां। देव जी महाराज पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु तुम करो दया मेरे साई। हे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप दया करो, मेरी समझ को सही करो। मैं जानूं कि मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं। मैं जिंदगी प्रेम से गुजारूं, मैं नाम के साथ जुड़ूं, आपके नाम का जाप करूं, सिमरन के जरिए मन को शांत करूं। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी रूह समट पाएगी, तभी अंदर की दुनिया में बढ़ पाऊंगा और मेरी आत्मा का मिलाप आपके साथ हो। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ उल्लासनगर में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो असलियत है वो हमारी ज़िंदगी में खुले, हमारी समझ सही हो। क्योंकि जब समझ इंसान के सही होती है तब उसके विचार सही होते हैं, जब उसके विचार सही होते हैं उसके बोल सही होते हैं, जब उसके बोल सही होते हैं उसके कार्य सही होते हैं। तो हमारे सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य तब सही होंगे जब हमारी समझ सही होगी। तो यही पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज इस सब के जरिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारी समझ सही हो, हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, हम जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं उसको पूरा कर पाएँ, वो हमारा पूरा हो, ताकि हम हंसी खुशी अपने गोल तक, जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, उस गोल को पालें और जिंदगी का मकसद हम सबके लिए पूरा हो जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।